Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer, buy one get one service free. Rush! Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. महक सरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार. मुंबई हुआ पानी पानी. लगातार पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण मुंबई की सड़कें तालाब बन गई हैं. मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिन और भारी बारिश होगी. इसके लिए मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण के लोगों को सतर्क रहने को कहा है. सतर्क रहने की जरूरत है. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में भी तेज बरसात की चेतावनी है. रेड अलर्ट पर है मुंबई. और इस बीच मुंब्रा से सटे भारत गेयर से लेकर सिलफाटा के बीच हर साल की तरह इस साल भी सड़कें नदियां बन गई हैं. इस बार कुछ ज्यादा ही मुश्किलें सामने आई हैं. पिछले 24 घंटे की भारी बारिश ने सिलफाटा से कुछ ही दूरी पर कौसर होटल, नाइस पार्क के आसपास सब कुछ डूब गया है. गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंस गई हैं, कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं. हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं. यहां की स्थिति पिछले 24 घंटे से इसी तरह बनी हुई है. लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं. हर साल इस क्षेत्र में इसी तरह पानी का बहाव देखने को मिलता है, तो शहर विकास इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं देती है? हर साल ठाणे महानगर पालिका बारिश से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, वो पैसा जाता किधर है? ये तस्वीर भी आप देखें. हर घंटे मुंब्रा बाईपास और सिलफाटा के बीच लाखों लोग, लाखों वाहन चालक गुजरते हैं, लेकिन इनकी दशा जस के तस है. घंटों जाम के झाम में फंसे रहते हैं. इस हालात को देखते हुए विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने जायजा लेने के लिए लोगों के बीच गए. आखिर कौसर होटल, नाइस पार्क, खान कंपाउंड के आसपास जल जमाव की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? इस बीच सानू पठान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए. सानू भाई, आप जो है सिलफाटा और जो है भारत गेयर से लेकर पूरा जो है पानी भरा हुआ है रोड पर दौरा कर रहे हैं, जो है क्या मतलब सिचुएशन देखी जा रही है, मतलब पानी क्यों भर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी इसमें चंद बहुत बड़े लूपोल्स हैं और इसमें है मेन कलवर्ट, क्रॉसिंग कलवर्ट. और क्रॉसिंग कलवर्ट का मुख्य कारण, कलवर्ट को बनाया नहीं गया और जो है उसे बंद कर दिया गया. दोस्ती के पास एक दीवार है, इधर राइट साइड में एक दीवार है, आगे ये मस्जिद सिलफाटा की तरफ ये जो जितने दीवार है उनमें क्रॉसिंग कलवर्ट है. जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जो बिल्डर है उनके द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है. और इसमें जिम्मेदारी जो है वो शहर विकास की बनती है. शहर विकास की जरूरत है. जब किसी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए पारित करते, पास करते, तो उसका आउटलेट भारी बारिश में पानी कहाँ जाए, उसको खाड़ी में आपने दिया नहीं है. मतलब आपने कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए लोगों की जान और माल, जो नुकसान लाखों करोड़ रुपए का हो रहा है, उसकी अनदेखी की है. इसके लिए शहर विकास, MMRDA, MSRDA है, ये सबकी ज्वाइंट यहाँ पे सर्वे करना चाहिए, ताकि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तो बनाया जा रहा है लेकिन आपातकालीन स्थिति में भारी बारिश आए तो पानी कहाँ पे डाइवर्टेशन होगा, इसका कोई भी उपाय और इसकी कोई भी सूचना और इस पर कोई भी ठोस निर्णय यहाँ दिख रहा नहीं है. मुख्य कारण ये कि इतना बड़ा खूबसूरत रोड बनाया जाता है लेकिन क्रॉसिंग कलवर्ट नहीं है, और क्रॉसिंग कलवर्ट को आपको खाड़ी में छोड़ना पड़ेगा ताकि खाड़ी में पानी जा पाए. खाड़ी में नहीं जाएगा पानी तो ये पानी हमेशा ऐसे ही रहेगा. हर साल इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है बारिश, जो है बारिश का जो पानी है, जल जमाव होता है, रोड जाम होती है. मुझे इस बात का है कि मुंब्रा प्रभाग, मुंब्रा कौसा का जो पुराना भाग है वो जूना मुंब्रा कौसा है, वहाँ ऐसा हो तो ताज्जुब नहीं होगा क्योंकि वो अनप्लान सिटी है, वो जूना मुंब्रा है. लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हैरियत हो रही है, मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि जो प्लान सिटी है, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे, जिसको प्लान महापालिका ने किए, MMRDA ने किए और उसको पारित सेंशन किए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो क्या कलवर्ट नहीं दिया गया या पानी हैवी रोन आएगा
तो उसको डाइवर्टेशन खाड़ी में किया जाए, ऐसा कोई भी उपाय यहाँ पे इस पानी भरने से मुझे दिख रहा नहीं। जिसकी चूक शहर विकास की है, शहर विकास बिल्डरों को साठ घाट में बिठाना कम करे, अपने इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिटी इंजीनियर को यहाँ के एमएसआरडी से एमएमआरडी के साथ मिलकर ज्वाइंट सर्वे करना चाहिए कि ये पानी का हैवी रोड खाड़ी में कैसा जाए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना, इस जल जमाव का कारण है कलवट नहीं है, पानी पास होने के लिए कोई कलवट नहीं बनाया गया है, इसका जिम्मेदार शहर विकास को बताया है, क्योंकि पानी जिस तरह से भर रहा है वो शहर विकास का जो है जिम्मेदार ठहराया है सानू पठान ने। शहर विकास जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है मगर पानी की कलवट पर ध्यान नहीं दिया है, जिसका कारण आज जो है जो जल जमाव हुआ है, झमाझम बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दिया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।